और इसी के 17 में लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। और परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, जगत पर दंड की आज्ञा दे इसलिए नहीं भेजा था। जब यीशु फर्स्ट टाइम आया था, इसलिए नहीं आया था कि जगत को दंड दे, कि तू पाप में डूबा हुआ है, चल तेरे को नरक में डालूंगा। यीशु ने कहा किसी को? नहीं कहा। कितने लोग पाप में डूबे थे, वह विचारणी स्त्रियों के साथ यीशु बैठा, दारू पीने वाले के साथ बैठा, चूहा खेलने वाले के साथ बैठा, चुंगी लेने वाले के साथ बैठा, सबके साथ बैठा, किसी को नहीं बोला तेरे को उठा के नरक में डालूंगा। फर्स्ट टाइम जब जीसस आया, वो जगत को लोगों को बचाने के लिए आया, जगत के लोगों को बचाने के लिए आया कि लोग यीशु को जाने, उस परमेश्वर को जाने। परमेश्वर अपने घर में आया था, अपने लोगों के बीच में आया था, अपने परिवार में, और वचन कहता है कि लोगों ने उसको जाना ही नहीं, लोगों ने पहचाना ही नहीं। यीशु अपने घर में आया था, अपने लोगों के बीच में आया था मिलने के लिए, और लोगों ने उसको पहचाना भी नहीं। इसलिए यीशु ने कहा कोई अगर दूसरे नाम से आएगा उस पर तुम ग्रहण कर लोगे, उस पर विश्वास कर लोगे, और मैं अपने खुद पिता के नाम से आया हूं, अपने नाम से आया हूं, तुम मुझे स्वीकार नहीं करते। यीशु खुद अपने लोगों के बीच में आया था। आप किसी के घर में जाओ, आपके रिलेटिव हो, आपके रिश्तेदार हो, उनके घर में आप जाओ, और जाने के बाद आपसे सीधे मुंह कोई बात ना करे, आपको पानी ना दे, आपको खाना ना दे, आपसे बात ना करे, आपको देख के इग्नोर करे, आपको क्या लगेगा मैं कहां आया हूं? मैं अपने घर में आया हूं, मैं सराय में आया हूं, मैं अपने रिश्तेदार के यहां आया हूं, सराय में आया हूं, मैं कहां आया हूं? आपको ऐसा लगेगा। वैसे जब यीशु आया तो लोग ऐसे ही व्यवहार कर रहे थे यीशु से। सबसे ज्यादा फरीसी लोग, जो फरीसी लोग थे, जो बाइबल का, पवित्र शास्त्र का अद्भुत ज्ञान रखते थे, वचन कहता है जिनके पास स्वर्ग की कुंजियां थी, ना खुद प्रवेश करते थे ना दूसरों को प्रवेश करने देते थे, जो मूसा की गद्दी पर बैठे थे, व्यवस्था को सिखाने वाले मूसा की गद्दी पर बैठे थे, सिंहासन पर बैठे थे, वो लोग तक पहचान नहीं पा रहे थे। जिस वचन को पढ़ रहे थे उस वचन को ही नहीं पहचान पा रहे थे, और यीशु उनके बीच में था। कोई ऐसा है जो घर पर जाकर अपनी पत्नी को पहचान नहीं पाता? हर एक पहचानता है। हाँ, मैं जगत में तुम्हारे बीच में आया, जो उस वचन को तुम पढ़ते थे, जिस वचन पर विश्वास करते थे, मैं जगत में तुम्हारे बीच में आया और तुमने मुझे पहचाना। मैं तुम्हें दंड देने नहीं आया, उद्धार देने आया हूं, सल्वेशन देने आया हूं। जीसस आया हमारे बीच में, यीशु मसीह इस जगत में आया हमें उद्धार देने के लिए, माफ करने के लिए, क्षमा करने के लिए, पापों से, श्रापों से छुटकारा देने के लिए आया। वो उद्धार देने आया था। और मैंने पिछले दिनों कई बार आपको बताया, उद्धार जो है पांच बातों से मिलकर बनता है। सबसे पहले है पापों की क्षमा, पापों की क्षमा। यीशु जगत में लोगों को पापों की क्षमा देने आया था। और आज भी जो यीशु पर विश्वास करता है, जितने मर्जी पाप किए हों, आपने टेररिस्ट हो, आपने दुनिया भर के लोगों को मारा हो, आपने डकैती करी हो, चोरी करी हो, कुछ भी किया हो, जब यीशु पर आप विश्वास कर लोगे, उसी दिन यीशु आपके सारे पापों से आपको क्षमा कर देगा। हालेलुया। वो हिसाब नहीं लेगा तेरा, बता तूने क्या क्या किया था, तूने इतने बड़े बड़े कांड किए, मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। यीशु ने ऐसा नहीं किया। यीशु इस जगत में सल्वेशन देने आया था, उद्धार देने। और उद्धार की पहली जो चीज है वो है पापों की क्षमा। यीशु सबसे पहले पापों से क्षमा करता है, उसके बाद सारे श्रापों से छुटकारा देता है, सारे श्रापों से छुटकारा। जो श्राप मनुष्य पर परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करने के कारण आए हैं, वो सारे श्रापों से वो छुटकारा देता है। दुष्ट आत्मा के द्वारा जो श्राप आए हैं, उन सारे श्रापों से छुटकारा देने यीशु आया था। क्योंकि श्राप परमेश्वर की ओर से भी आते हैं और दुष्ट आत्माओं के द्वारा भी श्राप आते हैं, दुष्ट आत्माओं के द्वारा भी श्राप आते हैं। कई घर, कई परिवार श्रापित होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जनरेशन कर्ज चल रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप चल रहा है। यह एक श्राप होता है, परमेश्वर की ओर से भी होता है और दुष्ट आत्माओं की ओर से भी श्राप होते हैं। लेकिन यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें जो है सारे श्रापों से छुटकारा देने आया हूं। उसके बाद तीसरी चीज है, आप सारी बीमारियों से चंगाई देने आया था यीशु, सारी बीमारियों से। आपकी बीमारी जो मर्जी हो, लाइलाज बीमारी हो, कैंसर हो, थायराइड हो, बीपी हो, शुगर हो, अर्थराइटिस हो, कोई मर्जी बीमारी हो आपकी, एड्स हो, वो सारी बीमारी से आपको छुटकारा देने यीशु आया था, सारी बीमारी से। और जो यीशु पर विश्वास करेगा, आपकी लाइलाज बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हेलो, हालेलुया। और हमारे चर्च में कितने लोगों की ऐसी बीमारियां जो थी, जो प्रभु ने पूरी तौर से ठीक कर दी,
पूरी तौर से और दुनिया भर की हम गवाहियां सुनते हैं कि यीशु ने लोगों को अद्भुत रीति से चंगाई दी, छुटकारा दिया। और चौथी चीज है, परमेश्वर आपको अपनी सारी आशीषें देने आया था, भौतिक आशीषें जिसको मटेरियल ब्लेसिंग्स कहते हैं, संसार की वस्तुओं की सारी आशीष देने आया था, स्वर्गीय आशीष देने आया था, आत्मिक आशीष देने आया था। यीशु हमें सारी आशीषें देने आया था, परमेश्वर की ओर से सारी आशीषें। क्या परमेश्वर ने केवल हमारे लिए स्वर्गीय आशीष रखी है? उसने हमारे लिए सारी आशीषें रखी हैं, मटेरियल ब्लेसिंग्स भी, हेवनली ब्लेसिंग्स भी, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स भी, उसने सब कुछ हमारे लिए रखा है। और यीशु वो सब कुछ देने आया था। और अंतिम और पांचवी बात, वो परमेश्वर की सुरक्षा देने हमें आया था, एक आश्वासन कि तूने मेरे बेटे मेरी बेटी मुझ पर विश्वास किया है, तू नाश नहीं होगा, तू नहीं होगी, तुझे अनंत काल के लिए मैं स्वर्ग में अपने साथ रखूंगा। हालेलुया, ये प्रोटेक्शन है। ये पांच बातें मिलके उद्धार को, सल्वेशन को कंप्लीट करती है। पापों की क्षमा, सारे श्राप और छुटकारा, सारी बीमारी चंगाई, परमेश्वर की सारी आशीषें प्राप्त करना और परमेश्वर की सुरक्षा प्राप्त करना, ये पांच बातें मिलकर सल्वेशन को बनाती हैं। और ये सल्वेशन यीशु देने आया था, जगत को उद्धार देने आया था। आज लोग समझते ही नहीं, जानते ही नहीं यीशु को, इसीलिए उनके बारे में, यीशु के बारे में उनको पता ही नहीं। आज जब यीशु के पास आओगे तो आप जानोगे यीशु क्या करने आया था। मनुष्य जाति को बचाने के लिए आया था, और लिखा जगत पर दंड देने नहीं, वरन जगत को बचाने आया था, जगत का उद्धार करने आया था यीशु, उसको सल्वेशन देने आया था। यह सुसमाचार है, जब यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु आपको छुटकारा देता है, आपको आजादी देता है। कितनी ऐसी गवाहियां हमने सुनी, कितनी अद्भुत ऐसी ऐसी गवाहियां सुनी कि जो लोग टेररिस्ट थे, लोगों को मारा करते थे, काटा करते थे, ऐसे ऐसे लोगों को यीशु ने छुटकारा दिया। हालेलुया। ऐसे टेररिस्ट उनकी आंखों में देखोगे, उनकी आंखों में देख के आपको डर लगेगा, आप घबरा जाओगे उनकी शक्ल देख के, उनकी आंखें देख के, लेकिन आज वो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, उसके पीछे चल रहे हैं। अद्भुत रीति से यीशु ने जीवन बदला। वैसे यीशु ने इस उद्धार के प्रोसेस को उस दिन कंप्लीट किया जब यीशु क्रूस पर था। यीशु जब क्रूस पर था, उस समय दो डाकू जो थे वो यीशु का मजाक उड़ा रहे थे, जो हमें मती उसके 27 के 44 में पढ़ने में मिलता है। दोनों डाकू जो यीशु के राइट और लेफ्ट में दोनों जगह चढ़ाए गए थे, वो दोनों यीशु का मजाक उड़ा रहे थे, यीशु की निंदा कर रहे थे, यीशु का अपमान कर रहे थे। और जब यीशु का वो अपमान कर रहे थे, निंदा कर रहे थे, उस समय बड़ा खुश हो रहे थे वो। उसके बाद जब यीशु ने पहली वाणी बोली, यीशु ने जब सुसमाचार सुनाया, यीशु ने वो छोटी सी प्रार्थना करी, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। केवल ये बात यहूदियों के लिए नहीं बोली, ये बात इसराइलियों के लिए नहीं बोली, रोमन सोल्जर्स के लिए नहीं बोली जो यीशु को क्रूस पर टांग रहे थे, ये उन दोनों डाकुओं के लिए भी बोली यीशु ने, उन दोनों डाकुओं के लिए भी बोली जो यीशु की निंदा कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, उनके लिए भी यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, नहीं जानते क्या कर रहे हैं क्योंकि ये अनजान है, ये आज अनजान है, आज तुझसे अनजान है, तेरी बातों से अनजान है, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, ये डाकू क्या कर रहे हैं, वो रोमन सोल्जर्स क्या कर रहे हैं, ये यहूदी इजरायली क्या कर रहे हैं, अन्य जाति लोग क्या कर रहे हैं, ये नहीं जानते, इनको पता ही नहीं है। और यीशु ने जब ये पहली वाणी बोलते ही उन दोनों डाकुओं ने जिन्होंने यीशु का मजाक उड़ाया था, एक व्यक्ति का हृदय बदल गया। पवित्र आत्मा ने यीशु के शब्दों से उसको कायल किया, पवित्र आत्मा से भरा हुआ जब प्रचार सुनोगे, वो प्रचार आपके हृदय को छुएगा, हृदय में कुछ तो बदलाव आएगा, अद्भुत परिवर्तन होगा। पवित्र आत्मा से भरे प्रचार को जब आप सुनोगे, आपके अंदर एक बदलाव आएगा। जैसे यीशु ने बोला, हे पिता इन्हें क्षमा कर ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, और जैसे ही बोला यीशु ने, उन दोनों डाकुओं में से एक ने मन को फिराया। उसने क्या बोला? उसने दूसरे डाकू को डांटा, कहा तो चुप हो, हम तो ठीक ठीक गुनाह की सजा पा रहे हैं, हमने तो मारा है, काटा है, लूटा है लोगों को, हमने कितने मर्डर किए हैं, कितनी डकैतियां करी है, कितनी चोरी करी है, कितनी शराब पी है, कितना व्यभिचार किया, हमने न जाने क्या क्या किया है, हम तो ठीक ठीक अपने गुनाह की सजा पा रहे हैं, लेकिन ये तो धर्मी मनुष्य है, ये तो निर्दोष है, ये धर्मी मनुष्य है जो मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन एक का जब दिल बदला, उसने दूसरे को डांट दिया। और पवित्र आत्मा ने उसको कायल किया, पवित्र आत्मा ने उसके हृदय को बदल दिया, और उसी समय उसने कन्फेस किया, जब पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा, आप अपने पापों को मान लोगे, छुपाओगे नहीं, अपने पापों को मान लोगे। इस डाकू ने अपने पाप को मान लिया, छुपाया नहीं अपने पापों को, उसी समय क्रूस पर मर रहा है,
टंगा हुआ है, लहू बह रहा है, दर्द हो रहा है, पीड़ा में है, फिर भी अपने पापों को मान लिया। आज जीवित होते हुए हम अपने पापों को मानते ही नहीं, और वो मर रहा है, तड़प रहा है, अपने पापों को मान लिया उसने। और जब अपने पापों को उसने माना, उसके बाद उसने बोला, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सूध ही लेना, अपने राज्य में आए तो मेरी सूध ही लेना। और यीशु ने उसी वक्त उस पापी को, उस डाकू को और सबसे पहले व्यक्ति को आश्वासन दिया, तू मेरे साथ आज स्वर्ग लोक में होगा, आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। और यीशु उसी वक्त जब क्रूस पर से यीशु को कब्र में रखा गया, यीशु उस डाकू को लेके कहा गया, स्वर्ग लोक में गया। पहला व्यक्ति जो स्वर्ग में प्रवेश हुआ उद्धार के द्वारा, सल्वेशन के द्वारा, ग्रेस के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा, वो एक डाकू था, एक मर्डरर था, एक डकैत था, धर्मी नहीं था, धर्मी नहीं था, व्यवस्था का पालन नहीं कर रहा था, सुसमाचार का प्रचार नहीं कर रहा था, दान नहीं दे रहा था। उसने केवल अपने मन को फिराया, उसी वक्त मन को फिराया और उसने यीशु पर विश्वास किया, और पहला व्यक्ति स्वर्ग में यीशु लेकर गया। क्या उसने बहुत ज्यादा बाइबल पढ़ी थी? नहीं। बहुत ज्यादा प्रार्थना करी थी? बहुत ज्यादा फास्टिंग रखी थी? बहुत ज्यादा दान दिया था चर्च में? पास्टर के गोड़ दबाए थे या उसके घर का राशन भरवाया था? कुछ भी नहीं किया, केवल यीशु पर विश्वास किया था, यीशु पर विश्वास किया। और पहला व्यक्ति स्वर्ग में गया, वो डाकू था, पापी था, खूनी था, कितने कत्ल किए होंगे, ना जाने कितने लोगों को मारा होगा, कितने बच्चों को मारा होगा, कितनी औरतों के साथ रेप किया होगा, कितनी डकैतियां करी होंगी, ना जाने क्या क्या किया होगा। और यीशु ने उस पहले व्यक्ति को स्वर्ग दे दिया। क्यों? उसने पूरे मन से पश्चाताप किया। एक पापी व्यक्ति के पास कोई आशा ही नहीं थी, उसको लगता था मैं पाप में डूबा हूं, मैं तो नरक ही जाऊंगा, मैं पाप में डूबा हूं, मैं नरक ही जाऊंगा। लेकिन यीशु ने आके उस डाकू को और पहले व्यक्ति को, ये सल्वेशन का प्रोसेस, उद्धार का प्रोसेस उसी वक्त यीशु ने पूरा कर दिया। इसको कहते हैं परमेश्वर का अनुग्रह। और वचन में लिखा है, एक व्यक्ति विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा और धर्मी जन जो है विश्वास से बचाया जाएगा। उसने विश्वास किया और विश्वास के द्वारा उसका उद्धार हो गया, कर्मों के आधार पर नहीं, केवल विश्वास के द्वारा। विश्वास किया और उसी समय उसका उद्धार हो गया और स्वर्ग में उसको एक स्थान मिल गया। हालेलुया। और जो भी यीशु पर विश्वास करेगा, आप किसी भी जाति से हो, कम्युनिटी से हो, कास्ट से हो, देश के हो, विदेश के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी वर्ग के हो, आप जब यीशु पर विश्वास करोगे, यीशु आपको पूरी तौर से सारे पापों से छुटकारा देगा। क्यों? क्योंकि यीशु आपके लिए, मेरे लिए, समस्त मानव जाति के लिए क्रूस पर जाके मरा। मरना आपको और मुझको था, मरना आपको और मुझको था। कहां पे? नरक में, नरक में जाके मरना था। यीशु आपके मेरे लिए क्रूस पर मर गया ताकि आप और मैं नरक में ना मरे। हम लोग कहां जाए? हम स्वर्ग में जाए, परमेश्वर के पास, उसके साथ हमारा मेल हो जाए। और यीशु हमारा बिचवाई है, वो मीडिएटर है, उसने वो हमारा पुल है, जिस पुल के द्वारा हम परमेश्वर तक जा सकते हैं। हालेलुया। जैसे एक पुल एक पानी का होता है, पानी नीचे नदी बह रही होती है और उस पार जाना होता है, तो रास्ते में ऊपर से एक पुल बनाया जाता है लकड़ी का, उस पुल को जब पार करोगे तो उस पार जाओगे। वैसे यीशु हमारे लिए एक पुल बन गया, वो खुद क्रूस पर कुर्बान हो गया। और यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, द्वार मैं हूं, मार्ग मैं हूं, सत्य मैं हूं, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मेरे द्वारा पिता तक जा सकता है। हालेलुया। ये सुसमाचार की सामर्थ्य है। उसने विश्वास किया, जीवन बदल गया। वैसे एक व्यक्ति था शाऊल, वो जबरदस्त हत्यारा था, हत्यारा। एक उसका मिशन था, उस मिशन में लगा हुआ था, मैं मार दूंगा सारे मसीह लोगों को, मारने के लिए लगा हुआ था, मार रहा था जगह जगह जाके, जहां उसको मसीह लोग मिलते वो मार देता, काट देता लोगों को, वो एक हत्यारा था। लेकिन जब यीशु ने उसके जीवन पे अपने आप को प्रकट किया, जब यीशु ने उसका इनकाउंटर किया, उसने जीसस को जाना, बदल गया उसका मिशन, बदल गया। वो हत्यारा था जो लोगों को मारने वाला था, अब बचाने वाला बन गया। हालेलुया। जो उसका विजन था, मैं लोगों को नाश करूंगा, अब वो बचाने वाला बन गया। जो एक हत्यारा था, एक मिशनरी बन गया, लोगों को बचाने वाला बन गया, लोगों को परमेश्वर के पास लाने वाला बन गया। जब परमेश्वर का काम आपके जीवन में होता है, आपका विजन बदल जाएगा। अगर आज भी आपका विजन है, मुझे करोड़ों की संपत्ति खड़ी करनी है, तो आप आउट ऑफ ट्रैक चल रहे हो। आपका विजन है, मैंने बड़े बड़े बंगले खरीदने हैं, तो आउट ऑफ ट्रैक चल रहे हो। आपका विजन है कि मुझे दुनिया भर की गाड़ियां खरीद के रखनी है, तो आउट ऑफ विजन चल रहे हो। एक मसीह का यह विजन नहीं है।
मैं ये नहीं कह रहा कि आप काम नहीं करें, बिजनेस नहीं करें, सब कुछ करें, परमेश्वर सारी रिक्वायरमेंट्स आपकी पूरी करेगा। लेकिन एक मसीह का विजन ये नहीं होता, वो कहता है मेरे पास पैसा भी आएगा तो उस पैसे को परमेश्वर की सेवा के लिए लगाऊंगा, मैं उसकी मिनिस्ट्री के लिए लगाऊंगा, अपने जीवन को वो प्रभु को दे देगा। आज ये आपका विजन होना चाहिए। कितने आज चैनल वाले हैं शुभ संदेश टीवी जो है वो विजन टीवी, और कितने ऐसे चैनल हैं इनके जो MD हैं उन्होंने अपनी पैसे को, अपनी हर चीज को इन्होंने उस टीवी मिनिस्ट्री के थ्रू इन्होंने पूरा इन्वेस्ट कर दिया, क्या हो ताकि सुसमाचार जगत के कोने कोने तक पहुंचे। हालेलुया, जगत के कोने कोने तक पहुंचे। कितने ऐसे चैनल हैं, कितने ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो किसमें कोई भी पैसा वो नहीं लेते, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ताकि लोगों तक सुसमाचार पहुंचे और लोग बचाए जाएं। आज हमें सोचना है कि हमारा विजन क्या है, हमारी थॉट क्या है, हम क्या कर रहे हैं। आज डायरेक्शन बदलना है हमें, जैसे शाउल ने जो पौलुस बना उसकी डायरेक्शन बदल गई, मारने वाला काटने वाला अब मसीह के लिए पिटाई खा रहा है। पहले मसीहों को मार रहा है, उसी मसीह के लिए वो पिटाई खा रहा है, मसीह के लिए पिटाई खा रहा है। दर्द और पीड़ा को सहा उसने, दुनिया भर की पीड़ा और दर्द को सहा। और पौलुस ने बोला मैं तो दीवानों की तरह, पागलों की तरह उसकी सेवा में लगा रहूंगा, और वो लगा रहा। ऐसा अद्भुत दीवानापन था, उसने परवाह नहीं करी किस चीज की, वो लग गया सेवा यात्रा में और अन्य जातियों में जाके उसने अद्भुत रीति से सुसमाचार का प्रचार किया, क्योंकि परमेश्वर ने उसको इसी ने बुलाया था। विजन बदल गया, डायरेक्शन बदल गई, सोच बदल गई। अभी भी अगर आपका विजन डायरेक्शन नहीं बदला है तो इसका मतलब है सुसमाचार की सामर्थ आपके भीतर नहीं है। जब सुसमाचार की सामर्थ आपके भीतर आएगी तो लिखा है जब तुम सामर्थ पाओगे तो मंगला खड़ा नहीं करोगे, सामर्थ पाओगे बिजनेस को एस्टैब्लिश नहीं करोगे, सामर्थ पाओगे तो क्या करोगे, मेरे गवाह बनोगे, तुम जगत के छोर तक जाके मेरे गवाह बनोगे। ये परमेश्वर का कार्य होता है।